हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू दिस चैनल लक्ष्य तक आपके साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि दुनिया का आठवां अजूबा बन गया है वो कौन सा है जो आठवां अजूबा बन गया है अंकुरवाट मंदिर है जो दुनिया का आठवां अजूबा बन करके उभर करके सामने आया अभी तक तो सात अजूबे आप लोगों ने सुने होंगे ये आठवां अजूबा है तो चलिए इस करंट अफेयर्स को देखते हैं ये क्वेश्चन में आपके पूछे जाने की संभावना है कि यूपीएससी में पी में, में कूट बना करके क्वेश्चन पूछ सकता है कि अंकुरवाट मंदिर कहाँ है कंबोडिया में है ठीक है और इसके बारे में पूछ सकता है इसके नक्काशी के बारे में किसने बनवाया था क्या था तो सारा हम लोग इस लेक्चर में समझने वाले हैं बहुत ज़्यादा लंबा नहीं चार से तीन से चार मिनट का पाँच का मिनट वीडियो होगा इसमें आपको पूरे फैक्ट पता चल जाएंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इसमें देखा जाए तो कंबोडिया का जो अंकोरवाट मंदिर है ये इटली के किसको पीछे छोड़ करके दुनिया का आठवां अजूबा बना है इटली के पोम्पो पोमपेई को, को छोड़ करके दुनिया का आठवां अजूबा बन के उभर करके सामने आया है और और ठीक है तो ये आपको ध्यान रखना है अंकोर वाट के मंदिर के बारे में बात करें तो ये कहाँ पर है कम्बोडिया के अकोर याम में स्थित है एकदम एग्जैक्ट ये नहीं पूछेगा कि अकोर योम में लेकिन आप जब पढ़ ही रहे हैं तो ध्यान दीजिए अकोर योम इसी इसी अंकोर वाट से ही संबंधित है ना तो अकोर योम में कम्बोडिया के स्थित है ये और इसे ट्वेल्थ शताब्दी में बारहवीं शताब्दी में राजा सूर्यवर्मन द्वितीय द्वारा ठीक है किसके ने किया था इसको सूर्यवर्मन द्वितीय द्वारा यह ध्यान रखना सूर्य सूर्यवर्मन द्वितीय द्वारा खमेर साम्राज्य की जो राजधानी है यशोधरपुर में जो कि वर्तमान प्रेजेंट टाइम में अंकोर में स्थित है उनके द्वारा निर्माण कराया गया था तो ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री का क्वेश्चन है आपको ध्यान रखना है ठीक है तो सूर्यवर्मन द्वितीय द्वारा बनवाया गया था और अगर इस मंदिर की बात करें तो ये जो हिंदू देवता हैं विष्णु जी को समर्पित मंदिर है और इसको क्या किया गया था जय वर्मन सप्तम के द्वारा सूर्यवर्मन ने तो इसको बनवाया सूर्यवर्मन से करने और देवता विष्णु को समर्पित ये मंदिर इन्होंने बनवाया था लेकिन जय वर्मन सप्तम जब आते हैं तो इसे बौद्ध मंदिर में बदल देते हैं ठीक है ठीके? अगर हम मंदिर की दीवारों पर नक्काशी की बात करें तो पहले देख लेते हैं हाँ ठीक है ये देख यहाँ पे क्या किया गया है हिंदू और बौद्ध पौराणिक कथाओं के दृश्य क्योंकि हिंदू में शूरवर मंदुतीय के द्वारा विष्णु जी के उसमें बनवाया गया फिर क्या आते हैं क्या नाम था इनका जो जय वर्मन क्या नाम था इनका जय वर्मन सप्तम आते हैं ये इसको क्या करते हैं बौद्ध में परिणित कर देते हैं तो इसमें बौद्ध और हिंदू पौराणिक कथाओं के दृश्य देखने को उस मंदिर में मिलते हैं और उन्नीस में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में ये शामिल किया गया था ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है अगर हम अंकोर वाट की मंदिर की बात करें तो दुनिया की सबसे बड़ी धार्मिक संरचना होने का गिनेश वर्ल्ड रिकॉर्ड इस मंदिर को प्राप्त है और कंबोडिया का जो राष्ट्रध्वज है वहाँ का जो नेशनल फ्लैग है उसमें भी इसको क्या किया गया स्थान दिया गया है ठीक है ये दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर होने का इसका क्या है रिकॉर्ड है अगर वास्तुकला की बात करें इसके आर्किटेक्चर की बात करें तो निर्माण में इसके क्या है बलुआ पत्थर का यूज़ हुआ है किसका पत्थर कौन सा बलुआ पत्थर का यूज़ हुआ है और ये मंदिर जो है चारों तरफ से चार दीवारी से घिरी हुई है ठीक है चार दीवारी से चारों तरफ बाउंड्री से घिरी हुई है और इसमें मंदिर में कितने शिखर हैं नौ शिखर हैं अगर हम मूल शिखर की बात करें तो उसकी करीब जो ऊंचाई है वो सिक्सटी मीटर है बाकी जो मंदिर और जो है वो फिफ्टी मीटर है ठीक है और इसमें जो इसमें केंद्रीय परिषद में कमर के कमल के आकार के पांच गुंबद देखने को मिलते हैं और ये गुंबद जो है माउंट मेरू का प्रतिनिधित्व करते हैं कौन से माउंट मेरू का प्रतिनिधित्व करते हैं और अगर देखें तो माउंट मेरू जो है ब्रह्मांड का केंद्र और देवताओं का क्या है निवास स्थान है ठीक ये ध्यान रखना है और यहाँ पे जो मंदिरों की जो वॉल है दीवार है वहाँ की जो सजावट है उसमें खमेर शास्त्रीय शैली का प्रभाव देखने को मिलता है तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा तो ये भी ध्यान रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है हो सकता है एग्जाम में पूछ ले तो हमें सारे करंट अफेयर्स को लेकर के चलते रहना है तो चलिए इसको पसंद आया हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलें शेयर भी करिए और जिस जो नए व्यवर्स हैं सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें थैंक यू सो मच